हेलो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के अंदर ही आप स्टॉक्स में कैसे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद लॉट साइज में आपको कितनी क्वांटिटी मिनिमम बाई करनी होगी, उसमें आपको कितना मार्जिन पे करना होगा एक लॉट बाई करने के लिए, आपको सब कुछ डिटेल इस वीडियो में पता चल जाएगी। और आप स्टॉक्स के अंदर कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे टोटली आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने यूट्यूब नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आएगा कि हमें कोई भी स्टॉक अगर वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है, मान लो कोई भी ऑप्शन, चाहे टाटा पावर का कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो, हम यहाँ से डायरेक्ट प्लस के निशान पर क्लिक कर इसको ऐड कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट सर्च करना चाहें तो डायरेक्ट सर्च करके भी हम उसको कॉल ऑप्शन को या पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस ऐड करे हुए, टाटा पावर ऑप्शन 145 कॉल ऑप्शन और 260 कॉल ऑप्शन। हमें एग्जांपल के लिए सबसे पहले क्या है, सी ई क्या है, सी और पी में डिफरेंस इतना है, अगर आप सी ई को बाई करते हैं तो आपके प्राइस का, आपके स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो आपका कॉल ऑप्शन इंक्रीज होगा, अगर आपके स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो पुट ऑप्शन इंक्रीज होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि जब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आपका कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, जब आपका स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो आपका पुट ऑप्शन बढ़ेगा। मतलब हमेशा जब हमें लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, जब हमें लगता है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाने वाला है तो हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, तभी जाके हमें इसमें प्रॉफिट होता है, इसमें प्रॉफिट होता है। उसके बाद जब हम मान लो 260 का हमें पुट ऑप्शन को बाय करना है, कॉल ऑप्शन को, सबसे पहले उसका प्राइस ये चला हुआ 0.75, ये एक क्वांटिटी का प्राइस है। इसका मतलब अगर आप एक लॉट को बाय करेंगे, क्योंकि मिनिमम एक लॉट आपको बाय करना पड़ेगा, एक लॉट के अंदर 1000 क्वांटिटी हो एग्जांपल के लिए, तो आपको 1000 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेंगी और एक क्वांटिटी का प्राइस ये चला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 750 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। अब मान के चलते कि हमें बाय करना टाटा पावर ऑप्शन 260 सी ई। अब सी ई आपको पता चल चुका है, पी ई पुट ऑप्शन क्या होता है, 260 ये होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हमेशा इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज में मिलेंगे। इंक्रीज में क्या होगा, ये 260 है, अगला स्ट्राइक प्राइस 265 मिलेगा, 270, 275, और नीचे की तरफ जाएंगे 255, 250, 245, ऐसे आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेंगे। इनके रेट अलग अलग आपको प्राइस मिलेंगे, इनके हर 5 पॉइंट का आपको उनका गैप मिलेगा। हम आपको इस हमें इसको बाय करना पुट कॉल ऑप्शन को टाटा पावर वाले को, सबसे पहले आप इनमें दो ऑर्डर लगा सकते हैं, रेगुलर एंड जीटीटी। अब रेगुलर ऑर्डर में क्या है, आपके पास सबसे पहले डिलीवरी एंड इंट्राडे। ये आपको पता है कि जब आप इंट्राडे में कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे फिर पुट ऑप्शन को, तो आपको सेम डे स्केयर ऑफ करना पड़ेगा जब मार्केट क्लोजिंग होगी। डिलीवरी में क्या डिफरेंस है, जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं होती, क्योंकि स्टॉक्स की एक्सपायरी एवरी मंथ लास्ट थर्सडे को होगी, तो आपको थर्सडे तक उसको डिलीवरी के अंदर रख सकते हैं। बट उस टाइम तक जब थर्सडे होगा, मार्केट क्लोजिंग होगी, उस टाइम आपको स्केयर ऑफ करना पड़ेगा, वरना आपकी जो लिमिट है वो 0.05 कुछ ऐसे तक रह जाएगी, इससे आपके ऑटो स्केयर ऑफ हो जाएंगे यहाँ से। इसमें आपको क्या करना, सबसे पहले यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप डिलीवरी करें या इंट्राडे करें। अब क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब देखो क्या है, एक लॉट मल्टीपल 3375, मतलब कि एक लॉट आपको बाय करना पड़ेगा मिनिमम होता है, और एक लॉट के अंदर 3375 क्वांटिटी आपके पास है। इसका मतलब मिनिमम आपको 3375 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी अगर आपको टाटा पावर कॉल ऑप्शन 260 का बाय करना है तो। और एक क्वांटिटी का प्राइस कितना चला हुआ है, 0.75, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3375 रुपये से, तो आप अप्रोक्स 2800 के आसपास आपकी लिमिट लगेगी टाटा पावर स्टॉक को बाय करने के लिए कॉल ऑप्शन को। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का निशान जरूर है बट यहाँ माइनस नहीं है, क्योंकि इससे कम आप जा नहीं सकते। उसके बाद मार्केट लिमिट, मार्केट पे बाय करना है तो जो मार्केट जब आप कन्फर्म करेंगे तो मार्केट रेट पे आपकी बाइंग पोजीशन लग जाएगी। आप लिमिट भी डाल सकते हैं किसी रेट पे मुझको बाय करना है, मार्केट पे यहाँ पे मार्केट रहेगा, आप जब लिमिट करेंगे तो मैनुअली प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते हैं 0.7065 जो भी। उसके बाद एडिशनल चैटिंग में आएंगे तो ये हमेशा वैलिडिटी होती है कि डे आपको रखनी है, आईओसी इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल, आप हमेशा डे रखना क्योंकि पूरे दिन ऑर्डर वैलिड रहेगा। उसके बाद रिव्यू बाय ऑर्डर और कन्फर्मेशन करेंगे तो आपका ऑर्डर पुट हो जाएगा रेगुलर ऑर्डर कॉल ऑप्शन के अंदर। लॉट साइज आपको पता चला लॉट के अंदर क्या चीज़ होती है, स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। उसके बाद एक्सपायरी, एक्सपायरी किस दिन होगी, अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन दोनों की एक्सपायरी होती है एवरी थर्सडे, मतलब कि वीक का जो थर्सडे होगा उस दिन इनकी एक्सपायरी मिलेगी। बट अगर आप किसी, मान लो टाटा पावर का जो स्टॉक है
इसका कॉल ऑप्शन ले रहे हैं या पुट ऑप्शन, इसकी एक्सपायरी मंथली मिलेगी। मंथली मतलब लास्ट थर्सडे होगा जो मंथ का, उस दिन इसकी एक्सपायरी मिलेगी। निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी मिलेगी जो उसका थर्सडे होगा। ये एक्सपायरी ऐसे डिवाइड होती है स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। रिव्यू बाय ऑर्डर करेंगे तो आपका ये ऑर्डर पुट हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ से जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर भी यहाँ से आप दे सकते हैं। स्टॉप लॉस में आपको क्या रखना है, प्राइस एंड टारगेट प्राइस। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसमें आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, देखो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, प्राइस एंड टारगेट प्राइस। जब आपका मार्केट या लिमिट ऑर्डर लग जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में वो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आ जाए, उसके बाद आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस में क्या, अगर आपने 0.7 जिन पे आप बाइंग दी हुई है, आपका बाइंग ऑर्डर 0.70 पे हुआ है, तो आप 0.50 का स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो आप जो ट्रिगर प्राइस है यहाँ 0.50 रख सकते हैं, और जो प्राइस है यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके 0.55 रखना पड़ता है। इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जो आपने 0.50 रखा, 0.55 इनके बीच में थोड़ा सा गैप इसलिए होता है कि उस स्टॉक का प्राइस इन दोनों के बीच में आए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि कई बार गैप डाउन की वजह से स्टॉक नीचे चला जाता है और स्टॉप लॉस वहाँ से हमेशा लगा रहता है। दो प्राइस इसलिए रखने पड़ते हैं कि दोनों के बीच में जो भी प्राइस मिले 53, 54, 52, 0.52, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। इस तरह में ऐसे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये थी वीडियो, आपको कोई डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।